नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बांदा मनरेगा मजदूरों के खंती खोदने की मजदूरी न मिलने पर मजदूरों को हुआ आक्रोश व्याप्त। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड कमासिन का है, जहां पर विकासखंड कमासिन के नंदन डेरा में मनरेगा मजदूरों के द्वारा लगभग 35 फीट गड्ढा खोदी गई है, जिसमें सचिव प्रभाकर पटेल के द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जा रही है और सचिव प्रभाकर के द्वारा मजदूरों को बड़े ही नाटक के ढंग से परेशान किया जा रहा है। यहां तक बोला जा रहा है कि आपकी मजदूरी आपके खाते में भेज दी गई है, बैंक जाकर के चेक करा ले, जिससे मजदूर परेशान है। मजदूरों ने बैंक में जाकर के अपने अपने खाते का स्टेटमेंट निकाल कर भी सचिव को दिखाया है, लेकिन सचिव यही बोल देता है कि आप लोगों का पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन हमारे खाते में अभी तक कोई भी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं आई है, एक भी रुपए की किश्त, और लगभग 150 मजदूर परेशान हैं, जिसके चलते सचिव की कार्यशैली पर लगाए जा रहे हैं सवालिया निशान। वहीं कुछ मजदूरों के पास यह भी बताया गया है कि सचिव के पास जाओ, हमें यही बोल करके हटा दिया जाता है। अभी सचिव नहीं है और जब भी सचिव मिलते हैं तो हमें हिला हवाली करके यह बोला जाता है कि पैसे खाते में भेज दिए गए हैं, अभी तक हमारे खाते में खंती खुदाई की मजदूरी नहीं आई है। अतः हम यह मांग करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हमें हमारी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए, नहीं तो हम ऊपर के अधिकारियों के पास जाकर के अपनी विनती सुनाएंगे, जिसके चलते मनरेगा मजदूरों के खंती खुदाई का पैसा न मिलने पर मनरेगा मजदूर परेशान है। वहीं सचिव की तानाशाही रवैया के चलते नहीं मिल पा रहा है मजदूरों का पैसा। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। दादा मुन्ना, मुन्ना जी, आपका पैसा क्या बाकी है खंती में? जिस तरह आप मनरेगा में काम किए, 11 खंती कहाँ पे खोदे थे? सिहाई वाली रोड में। तो आपने सचिव और प्रधान को कहे थे कि जिस तरह हमारा पैसा बाकी है? कब का बाकी है पैसा? कम से कम हो गए 5-6 महीने हुआ था। 5-6 महीने का पैसा बाकी है? हाँ, आप आगे खड़ंजा दी जा पड़े शौचालय पड़े। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। आपका क्या पैसा बाकी जिस तरह मनरेगा में आप काम किए थे? कितना पैसा बाकी है अभी? उसमें दम ने 14 खंती खोदा, एक भी खंतियों को पैसा नहीं मिला है। कहाँ पे खोदे थे? 14 खंती फार्म में खोदा। कौन खोदवाए थे? सचिव साहब। सचिव साहब से आप नहीं कहे थे कि हमारा पैसा 14 खंती का बाकी है? कहा था तो सर वो कहते हैं कि दे देंगे, दिया नहीं है। अब ये सचिव जब नहीं कहते हैं तो इस तरह आपका पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा? अब हमें दूसरा सचिव आएगा तब वही देगा, ट्रांसफर होगा। जब जब घुमा रहा है बातों में हर बार। क्या नाम है आपका? मोहनिया। क्या खंती का पैसा बाकी है आपका? खंती का 70 गड़ा ही क्या बाकी। अच्छा, 70 गड़ा ही कहाँ पे खोदे थे आप? ये काका थी नंदन डेरा रोड में। नंदन डेरा में? हाँ। कब खोदे थे आप? वही के काका थी 6 साल आ खोदे। 5-6 साल का पैसा अभी तक नहीं आपको मिला है? अभी तक नहीं आवा। तो आप प्रधान जी जिस तरह थे, सचिव थे, प्रधान है या काका थी सचिव पटेल है, ये जिन्हा से आज तक हमें नजर में नहीं आवता। तो आपको मिलते ही नहीं जिस तरह पैसा? हाँ, हाँ, नहीं मिला था, कभी दर्शन नहीं मिला था। कमासी में कभी नहीं आते? हाँ, हाँ, हम नहीं जाते, नहीं आते बेटा, आते नहीं बिना आते जाय थन गोरुहाई जाय थन, जहाँ गोरु बेड़े अत्याचारी करत है, तो यहाँ मिली तो मिली, नहीं तो आप सब बनाए हैं पब्लिक। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम नान बाबू है। नान बाबू जी, जिस तरह आपका मनरेगा का पैसा, क्या खंती खोदी थी जो नहीं मिल पाया आपका? जी सर, हमने खंती खोदा था। कितनी खंती खोदी थी? 45। कहाँ पे खोदी थी? सर ये नंदन डेरा की तरफ। कौन खुदवाए थे? ये रमेश चंद्र कुरील और वो सचिव, उनके पास हम कई बार गए, उनको बोला कि हमारा पैसा दे दीजिए, पर हमें चक्कर कटवाते रहे, आज तक एक भी पैसा नहीं आया। कब से पैसा बाकी है आपका? सर ये काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 5-6 बार मीटिंग भी लगवाया, बुलाया। मीटिंग कहाँ पे लगी थी? ये इधर डांड रोड जो गौशाला है ना, वहाँ पे लगवाया था। सचू ने लगवाया था? हाँ, सचू ने लगवाया था, वहाँ बुलाया भी था, कई बार गए, कई बार बहस भी हुई, पर पैसा नहीं आज तक आया किसी मजदूर का। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं जिस तरह आपका पैसा नहीं आ रहा? सर हमें ये कहते हैं कि हमारा पैसा आए, अगर नहीं आएगा तो हम आगे अधिकारी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, जिस तरह आप मनरेगा में काम किए हैं? जी सर। क्या पैसा बाकी है आपका?
सर अभी एक साल से वैसे ही पड़ा है सर। हम लोग गर्मी के महीने में बहुत मेहनत किए हैं, कई सारे लोग थे, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम कई बार गए, यहाँ तक कि इन्होंने कई बार हमें बुलाया, ऑफिस में बुलाया, इसके बाद जहाँ पे गौशाला है। कौन बुला रहे थे आपको? हाँ सर, प्रभाकर सर। प्रभाकर सचिव हैं जो? हाँ सचिव सर, उन्होंने कई बार हमें बुलाया, तो हम वहाँ गए, बस कागज़ पत्रों में दिखा देते हैं कि आपका पैसा भेज दिया गया, लेकिन अभी रियल में पैसा भेजा नहीं गया है। तो सर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा पैसा 8 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं सर हम ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमेशा यही कहते रहे कि आपका पैसा आ जाएगा, हमेशा फर्जी कागज दिखा देते थे कि आपके अकाउंट में भेज दिया गया। कितने लोगों का पैसा बाकी होगा सर? करीब 100-150 से करीब, कम नहीं है सर। तो इन लोगों का क्या पैसा अभी तक नहीं आया सर? अभी तक नहीं आया। दूसरी बात सर, वहाँ जब हम गए थे तो पहले तो बुला लिए सुबह सर, सुबह से बिना खाए हम पहुँच गए, इसके बाद अंदर बैठे थे फिर भी लोगों से कह देते थे कि सचिव साहब अभी नहीं, ऐसे करके जब हम लोग मतलब ज़्यादा हाहाकार करने लगे तब जाके अंदर से आए और कहने लगे कि नहीं आप लोग शांत हो जाओ, यानी काफ़ी बहस हो गई थी पैसे को लेके। फिर भी सर उस समय क्या है, फिर इसके बाद बैठक हुई, फिर कागज़ में दिखाया गया कि नहीं सर आपका पैसा आ गया है, ये अकाउंट में है, आप वहाँ चेक करवाइए, इसका मेनू दिखाइए। सर हम बैंक गए, बैंक जाने के बाद पूरा स्टेटस निकाला गया, फिर भी वहाँ 1 रुपया नहीं पहुँचा। कहाँ पे खंती खोदे थे आप? सर ये नंदन डेरा में। कितनी खंती का पैसा बाकी है आपका? सर हमारा तो लगभग वही 40-45 के करीब करीब है। तो अभी क्या चाहते हैं जिस तरह आपका पैसा नहीं सर? हम ये चाहते हैं कि 8 दिन के अंदर जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लोग अपनी मेहनत किए हैं, उनका पैसा आना चाहिए सर, हम ये चाहते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो सर ऐसे मतलब सचिव को हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आपके ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, जब विकास किए हैं, क्या कहते हैं सर? विकास नाम का क्या चीज़ है सर? जब जनता का पैसा नहीं दे रहे हैं तो सर विकास में क्या लगाएंगे? सर हम ये चाहते हैं कि या तो सचिव बदला जाए कोई अच्छा है, ताकि यहाँ कमासिन का विकास हो, जो मजदूरों का पैसा है शेष वो मिले, और अगर नहीं मिल रहा तो सर हम ऊपर जिलाधिकारी में आगे बात पहुँचाएँगे या मंत्री में पहुँचाएँगे। सर कहीं ना कहीं कुल मिला के हमारे जनताओं का पैसा मिलना चाहिए, जो हम मेहनत किए हैं वो हमारी मजदूरी आना चाहिए सर। कहाँ पर रहते हैं आप? सर रहते कहाँ पर? सर मैं कमासिन।